Hello and welcome back to this channel. Dear students, this topic is quick revision of the subject control systems for INSEM exam. That is, it will be revision section for unit number 1 and unit number 2. Actually, this subject is more mathematical based, so very less theory part is there. Let us start with unit number 1. The theory question can be explain open loop and closed loop systems with example. This is the block diagram of closed loop system. Very simple. If you want to write explanation for open loop system, just eliminate this feedback path. So block diagram is pretty simple. The plant is there, then one control is there. As the name indicates, it is responsible for performing controlling actions. जैसे हम लोग एक ये open loop का होगा, अगर मैंने feedback element eliminate किया, और closed loop का मतलब एक feedback element प्लेस करना पड़ेगा। जैसे हम लोग एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं एसी का, तो एसी के अंदर हम लोगों को एक रूम टेम्परेचर सेट करना पड़ता है, तो कंट्रोलर हमेशा चेक करता रहता है जो रूम टेम्परेचर है। सपोज वी हैव सेट द वैल्यू इक्वल्स टू 20 डिग्री और रूम टेम्परेचर जो है वो कंटिन्यूअसली चेक करते हैं जो एरर है उसके बीच में, मतलब जो सेट किया हुआ टेम्परेचर है कंट्रोलर ने, दैट इज 20 डिग्री और रूम टेम्परेचर सपोज 25 डिग्री है, तो फीडबैक एलिमेंट हमेशा चेक करता रहता है कि व्हाट इज द करंट रूम टेम्परेचर, जो एरर है दैट इज 5 डिग्री व्हिच इज डोनेटेड बाय ई ऑफ टी। तो जो एरर सिग्नल है अकॉर्डिंगली द कंट्रोलिंग एक्शन टेक्स प्लेस एंड अकॉर्डिंगली द प्लांट दैट इज कूलिंग एक्शन इज कंट्रोल्ड। तो ये वर्ड्स आपको सिर्फ ये नोटेशंस याद रखने हैं। आर ऑफ टी इज रेफरेंस इनपुट, आर स्टैंड्स फॉर रेफरेंस इनपुट, सी ऑफ टी इज कंट्रोल्ड आउटपुट, मतलब कंट्रोल सिस्टम में इनपुट आर ऑफ टी से डिनोट करते हैं, आउटपुट सी ऑफ टी से डिनोट करते हैं। जो फीडबैक सिग्नल है दैट इज डिनोटेड बाय बी ऑफ टी, और जो रेफरेंस आपने सेट किया है और एक्चुअल, जैसे रेफरेंस 20 डिग्री सेट किया है और एक्चुअल टेम्परेचर है 25 डिग्री, तो दोनों को जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड एरर सिग्नल दैट इज डिनोटेड बाय ई ऑफ टी। तो वर्किंग बहुत सिंपल है इसका, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओपन लूप सिस्टम के एग्जाम्पल्स है और क्लोज लूप सिस्टम के एग्जाम्पल्स है। ओपन लूप में ब्रेड टोस्टर है, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, देन कॉफी मेकर दैट इज ऑटोमेटिक कॉफी मेकर एंड इलेक्ट्रिक हैंड ड्रायर। क्लोज लूप के एग्जाम्पल्स है वोल्टेज स्टेबिलाईजर जो घर में हम लोग यूज करते हैं, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयंस, देन मिसाइल लॉन्चर जिसमें फीडबैक सिस्टम फीडबैक सिग्नल बहुत इंपॉर्टेंट है, देन स्पीड कंट्रोलिंग ऑफ डीसी मोटर्स यूजिंग टैको जनरेशन। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है ओपन लूप और क्लोज लूप सिस्टम्स के। नेक्स्ट पार्ट इज ट्रांसफर फंक्शन। पहले इसका डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन इज द रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट इन लाप्लास डोमेन इज कॉल्ड ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द नेटवर्क। अब न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करना है। सपोज एक नेटवर्क दिया है जिसके कॉम्पोनेंट्स है आर एल सी, रजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर। आपको सिर्फ तीन सिंपल फॉर्मूले याद रखने हैं। लाप्लास डोमेन में अगर सर्किट ट्रांसफॉर्म करते हैं तो रेजिस्टेंस रिमेंस एज इट इज, इंडक्टर एल के बदले में लिखना है एस इंटू एल, एस एक नोटेशन है, इट इज कॉल्ड लाप्लास ऑपरेटर। सी कैपेसिटर के लिए लिखना है 1 बाय एस सी। अब वोल्टेज डिवीजन का एक फॉर्मूला लगेगा, वी विल डिस्कस इट। ये सपोज गिवन सर्किट है, पहला स्टेप ये होगा इसको लाप्लास में कन्वर्ट करना है यूजिंग दिस सिंपल रूल्स। रेजिस्टर के बदले में एज इट इज आर रहेगा, एल के बदले में आई विल राइट एस एल, कैपेसिटर के बदले में आएगा 1 बाय एस सी, और ये लाप्लास है इसलिए आउटपुट वी जीरो ऑफ एस लिखेंगे, इनपुट लिखेंगे वी आई ऑफ एस, सिंपल। अब देखो इसमें बहुत सारे मेथड्स है लेकिन आपको ये मेथड ज्यादा सिंपल रहेगा इफ यू यूज वोल्टेज डिवीजन फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, वोल्टेज अक्रॉस एनी इलेमेंट इज इक्वल्स टू इनपुट वोल्टेज इनटू दैट इलेमेंट, मतलब उस इलेमेंट का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय एडिशन ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेस ऑफ इलेमेंट्स। तो यहाँ पे यूज कैसे करना है, जैसे वी जीरो ऑफ एस इज वोल्टेज अक्रॉस दिस कैपेसिटर। अब देखो एक बार आपने ये लाप्लास में कन्वर्ट किया तो ये जो वैल्यूज है 1 बाय एस सी, देन दिस इज एस एल, 1 बाय एस सी, देन 1 एस एल, देन आर, हर एक वैल्यू को एज अ रजिस्टर ऐसे ही ट्रीट करना है। तो वी जीरो ऑफ एस इज वोल्टेज अक्रॉस 1 बाय एस सी, सपोज मुझे वोल्टेज डिवीजन का फॉर्मूला यूज करना है और वी जीरो ऑफ एस निकालना है, रेफर द फॉर्मूला, इट इज इनपुट वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज दैट इज इनपुट वोल्टेज इज वी आई ऑफ एस इनटू दैट इलेमेंट, मतलब किसके अक्रॉस वी जीरो ऑफ एस आ रहा है 1 बाय एस सी, सो इट इज 1 बाय एस सी डिवाइडेड बाय एडिशन ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेस, मतलब हर एक चीज एज अ रेजिस्टेंस ही ट्रीट करना है, सो इट इज आर प्लस एस एल प्लस 1 बाय एस सी। तो सिंपल एक ही स्टेप में आंसर आता है, बाकी सिर्फ आपको सिंप्लीफाई करना है। वी नो दैट ट्रांसफर फंक्शन इज वी जीरो ऑफ एस अपॉन वी आई ऑफ एस,
तो ये जो वी आई ऑफ एस है ये मैं यहाँ पे ट्रांसफर करूंगा, रिमेनिंग इक्वेशन विल बी 1 बाय एस सी अपॉन आर प्लस एस एल प्लस 1 बाय एस सी। आगे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसका एलसीएम लेना है तो एस सी एलसीएम आ जाएगा, ये एस सी और एस सी कैंसिल हो जाएगा, दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। अब देखो ये अगर एक ही लूप है तभी ये मेथड आप यूज कर सकते हो, अगर सपोज कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल आता है, मतलब यहाँ पे दो लूप होते हैं, सपोज यहाँ पे कैपेसिटर दिया है और एक रेजिस्टर का वैल्यू दिया है, ऐसे सपोज दिस इज रेजिस्टर आर टू दिस इज रेजिस्टर आर वन, तो लाप्लास में ट्रांसफर करने के बाद नेटवर्क ऐसा आ जाएगा, दिस इज से वी जीरो ऑफ एस। अब इंस्टेड ऑफ यूजिंग वोल्टेज डिविजन आप लोग केवीएल यूज कर सकते हो, सो देर आर टू लूप, फर्स्ट लूप करंट इज आई वन, सेकंड लूप करंट इज आई टू, मेक यूज ऑफ केवीएल। कीप इन माइंड हमें आई वन और आई टू में इंटरेस्ट नहीं है, वॉट वी आर इंटरेस्टेड इन किसी भी तरह से मतलब मैथमेटिकली सिंप्लीफाई करके वी जीरो ऑफ एस अपॉन वी आई ऑफ एस का इक्वेशन कैलकुलेट करना है। अनदर थिंग, एक बार इक्वेशन आने के बाद यू विल बी हैविंग सम न्यूमरेटर टर्म एंड सम डिनोमिनेटर टर्म, डू रिमेंबर दिस कन्वेंशंस, रूट्स ऑफ न्यूमरेटर आर कॉल्ड जीरोस ऑफ सिस्टम, वेयर एज रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर आर कॉल्ड पोल्स ऑफ सिस्टम। तो ये सिंपल न्यूमेरिकल से मैंने एक अलग वीडियो बनाया है ट्रांसफर फंक्शन के न्यूमेरिकल के ऊपर, और ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, सो डोंट मिस दैट वीडियो, डू वॉच द वीडियो ऑन सॉल्व न्यूमेरिकल्स ऑन ट्रांसफर फंक्शन। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ऑफ सम मैकेनिकल कॉम्पोनेंट्स, तीन मैकेनिकल कॉम्पोनेंट्स हम लोग कंसिडर करने वाले हैं विच आर इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स, वन इज मास। We know that if you keep something like if you are keeping a mobile on the table and if you want to make a motion of mobile, you will have to apply the force. So first is mass, second is friction, friction is also a well-known phenomena, and third is a spring. अब देखो मास के केस में जैसे मैंने बताया, अगर आपको मोशन करना है किसी भी मास का तो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा और फिर एक्स डिस्टेंस से मोशन होगा, ऐसे याद रखना है, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। अब जो डिस्टेंस है दैट इज डिनोटेड बाय एक्स, वी नो दैट डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस इज एक्सेलरेशन, सो इन दिस केस, इन केस ऑफ मास, इक्वेशन विल बी फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू, और लेट अस मेक यूज ऑफ स्मॉल m, मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज ए। अब ए जो है एक्सेलरेशन, दैट इज डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर, let us say dt square of x square, x is the displacement, this is the equation of acceleration. Now next part is ये जो equation है ये Laplace में express करना है, तो मैं Laplace में ऐसे लिखूंगा f of s is equals to m, mass remains as it is, Laplace में एक ही simple concept याद रखना है, d by dt के बदले में अगर Laplace में convert करोगे तो s आ जाता है, तो यहाँ पे d square by dt square है तो उसके बदले में s square आ जाएगा, so s square और small x के बदले में capital x आ जाता है, तो small x of t है तो उसके बदले में capital x of s लिखना है, so it becomes x square of s, this is the equation, equivalent equation for mass. second friction, friction को damping factor भी बोलते हैं, तो इसका formula ये याद रखना है, जैसे मैंने एक damper दिखाया है, if you make a motion let us say from x1 to x2, तो force will be frictional constant is denoted by b into velocity, velocity is let us say it is derivative of distance, so I will write it like this, d by dt of distance, distance is x1 of t minus x2 of t, it can be x2 of t minus x1 of t. अब इसका लाप्लास में कन्वर्ट करना है तो ये हम लोग ऐसे लिखेंगे f of s is b, that is frictional constant as it is, into d by dt के बदले में s आ जाएगा, x1 of t के बदले में x1 of s minus x2 of t के बदले में capital x2 of s, this is the equation for friction, that is damper. थर्ड इज द स्प्रिंग, हम लोग को पता है स्प्रिंग को हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे तो कॉम्प्रेशन भी हो सकता है और एक्सपेंशन भी हो सकता है, सो इन केस ऑफ स्प्रिंग इक्वेशन इज फोर्स इज स्प्रिंग कॉन्स्टेंट इंटू डिस्प्लेसमेंट, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट इज डिनोटेड बाय के इंटू डिस्प्लेसमेंट इज से एक्स वन ऑफ टी माइनस एक्स टू ऑफ टी विच कैन बी एक्स टू ऑफ टी माइनस एक्स वन ऑफ टी, लाप्लास में कन्वर्ट करेंगे तो ये के एज इट इज आ जाएगा, दिस विल बी एफ ऑफ एस इज इक्वल टू के इंटू एक्स वन ऑफ एस माइनस दिस इज एक्स वन ऑफ एस माइनस एक्स टू ऑफ एस। तो याद कैसे रखना है, बहुत सिंपल ट्रिक मैं आप लोगों को बोलता हूँ, मास है तो मास इंटू एक्सेलरेशन,
डैम्पिंग है मतलब फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शनल कांस्टेंट दैट इज बी इनटू वेलोसिटी, और स्प्रिंग है तो स्प्रिंग कांस्टेंट के इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब पहला एक्सेलरेशन, सेकंड वेलोसिटी, थर्ड डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट इज ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन। मैंने एक समरी बनाया है ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन रूल्स का। एक्चुअली वी कैन एक्सपेक्ट अ न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल कैन बी आस्क्ड ऑन दिस पार्ट। एक्चुअली देर आर 10 रूल्स ऑफ ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन, लेकिन जो 7 कॉमनली यूज रूल्स है उसका मैंने एक लिस्ट बनाया है। दिस रूल्स आर प्रेटी सिंपल। जैसे पहला रूल है, ये दो ब्लॉक्स एक के बाद एक कनेक्टेड है, मतलब दे आर इन सीरीज। इफ दे आर इन सीरीज, कन्वर्ट इट इनटू वन ब्लॉक, टेक मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस टू, G1 इंटू G2। दोनों ब्लॉक्स अगर पैरेलल में, देखो यहाँ पे कॉमन मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स, इसका डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरेलल में मतलब दोनों का डायरेक्शन, मतलब दोनों लाइंस शुड बी अलोंग द सेम डायरेक्शन। जैसे ये देखो, ये दिस इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सो बोथ द लाइंस आर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सो दे आर इन पैरेलल। ये जो साइन है इसको समर बोलते हैं या एडर। साइन है प्लस माइनस, प्लस माइनस, साइन एज इट इज रहेगा, इसमें साइन का कोई चेंज नहीं है। सो इफ जो टू ब्लॉक्स आर इन पैरेलल, दे कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड डिपेंडिंग ऑन द साइन। सो आंसर, देयर विल बी वन ब्लॉक हैविंग अ गेन G1 प्लस माइनस G2। ये जो है इट इज अ फीडबैक पाथ। अब देखो ये पैरेलल पाथ है, ये फीडबैक है। फीडबैक में पहले एडर ड्रॉ किया है और फीडबैक में डायरेक्शन चेक कर लो। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है, लेफ्ट टू राइट, यहाँ से सिग्नल, मतलब यहाँ पे एक्चुअली आउटपुट आता है, यहाँ से सिग्नल इनपुट साइड की तरफ जा रहा है। सो दिस इज द फीडबैक पाथ। फीडबैक एलिमेंट गेन इज डिनोटेड बाय H1। नोटेशंस आर इमटेरियल, याद कैसे रखना है, दोनों के डायरेक्शंस अपोजिट है, एक फॉरवर्ड है एक और बैकवर्ड है, तो ये फीडबैक हो गया। यहाँ प्लस माइनस साइन है तो यहाँ माइनस प्लस साइन आएगा, ये साइन याद रखना है। और डोंट मग अप दिस फॉर्मूले, कैसे याद रखना है, अगर फीडबैक है तो न्यूमरेटर में ये फॉरवर्ड ब्लॉक एज इट इज लिखना है, डिनोमिनेटर में वन वन ये फिक्स आएगा, और यहाँ का जो साइन है ये चेंज करना है, प्लस माइनस है तो माइनस प्लस दिस इंटू दिस, सो इट इज G1 अपॉन 1 माइनस प्लस G1 H1। नेक्स्ट, अगर ये टाइप का सिंप्लीफिकेशन करना है, मतलब एक ब्लॉक है जिसका गेन G है और ये समर है, ये मुझे ब्लॉक के पहले ट्रांसफर करना है, जिसके लिए एक इनपुट X देगा, X कैन बी एनीथिंग। अगर इट इज द केस, इट कैन बी कन्वर्टेड लाइक दिस, मतलब ये समर मैंने पहले ट्रांसफर किया यहाँ पे, लेकिन ये जो ब्लॉक G था और एक ब्लॉक ऐड करना है उसका रेसिप्रोकल लेके, 1/G लेके, सो दिस इज शिफ्टिंग ऑफ समर बिफोर द ब्लॉक। नेक्स्ट, सपोज ये समर मुझे आई हैव टू ट्रांसफर इट आफ्टर द ब्लॉक, तो डायरेक्टली ये समर यहाँ पे ट्रांसफर किया और एक सिंपल ब्लॉक ऐड करना है G। यहाँ पे देखो रेसिप्रोकल ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे एज इट इज एक ब्लॉक ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट, अगर ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं टेक ऑफ पॉइंट, क्योंकि यहाँ से सिग्नल हम टेक ऑफ कर रहे हैं, मतलब वी आर टेकिंग आउट द सिग्नल फ्रॉम दिस पॉइंट, लेट अस से दिस सिग्नल इज X। अगर ये टेक ऑफ पॉइंट मुझे ब्लॉक के पहले ट्रांसफर कर रहा है तो सिंपल ये और एक ब्लॉक अटैच करना है यहाँ पे, हैविंग सेम गेन एज दैट ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक का गेन G है, तो ये गेन G एज इट इज रखा मैंने और X ऐड किया। लास्ट रूल, या अगर ये समिंग, ये टेक ऑफ पॉइंट मुझे आफ्टर द ब्लॉक शिफ्ट करना है, मतलब यहाँ पे शिफ्ट करना है ऐसे, तो एक ब्लॉक ऐड करेंगे और उसका ट्रांसफर फंक्शन 1/G हो जाएगा। सो दिस इज अगेन सेम, ये सिग्नल एक्स है, दिस इज अगेन सेम एज इफ यू आर ट्रांसफरिंग दिस पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक। तो ये रूल्स आपको याद रखने हैं। देखो ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन के हर एक न्यूमेरिकल अलग होता है, मतलब इट्स नॉट मैथमेटिक्स कि आप प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, नो इट्स नॉट लाइक दिस। आपको क्या करना है, ये रूल्स याद रखने हैं, ये रूल्स याद रख के आप कोई भी न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर सकते हो। मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स में मतलब जैसे रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 ऐसे फॉलो कर लो तो सिंपल रहेगा, नथिंग इज टेक्निकल। जैसे देखो पहले सोचना है ब्लॉक सीरीज में है क्या, अगर नहीं है तो दूसरा रूल अप्लाई कर सकते क्या, पैरेलल में है क्या, फिर तीसरा रूल कर सकते क्या, ऐसे स्टेप वाइज चेक करो, बट डोंट स्किप सच न्यूमेरिकल्स, क्योंकि जैसे मैंने बताया हर एक न्यूमेरिकल नया रहेगा, लेकिन अगर आपको ये रूल्स पता है यू विल बी इन अ पोजिशन टू अटेम्प्ट एनी न्यूमेरिकल। नेक्स्ट पार्ट इज SFG, दैट इज सिग्नल फ्लो ग्राफ। वन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इज रिक्वायर्ड फॉर दिस। एक्चुअली न्यूमेरिकल्स कैन बी आस्क्ड ऑन दिस पार्ट, but if the this formula is asked, you should know this formula. It's Masson's gain formula, which is used to solve the numericals using signal flow graph. It is given by TF, that is transfer function, is equal to summation for all I fi delta I upon delta.
I represents number of forward paths, that is, it represents summation of all forward paths. Fi is the gain of ith forward path. For example, if I will write F1, it will be gain of first forward path. The delta is 1 minus, a formula delta, 1 minus summation of individual loop gains plus summation of product of two non-touching loops. अगर और भी एक्सटेंड करना है तो माइनस मतलब ये साइन अल्टरनेट हो जाएगा, पहले माइनस है दूसरा प्लस थर्ड माइनस समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ थ्री नॉन टचिंग लूप्स एंड सो ऑन. ये डेल्टा का फॉर्मूला है, डेल्टा आई भी लगता है फॉर्मूला में जैसे ये यहाँ पे. सो अगर आई वन पुट करूंगा मैं तो फॉर्मूला आ जाएगा एफ वन डेल्टा वन अपॉन डेल्टा. सो डेल्टा आई इज वन माइनस ऑल लूप्स विच डू नॉट टच टू द आइथ फॉरवर्ड पाथ. फॉर एग्जाम्पल द फॉर्मूला फॉर डेल्टा वन विल बी वन माइनस ऑल द लूप गेन्स विच डू नॉट टच विद द फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ. तो ये मैसन्स गेन फॉर्मूला है. डियर स्टूडेंट्स, आई ऑलरेडी क्रिएटेड सेपरेट वीडियोज फॉर ऑन ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन एज वेल एज एसएफजी. सो डू वॉच दैट वीडियोज. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज स्टैंडर्ड इनपुट सिग्नल्स. एक्चुअली दिस इज फ्रॉम यूनिट नंबर टू, एसएफजी तक यूनिट नंबर वन है. तो चार स्टैंडर्ड इनपुट सिग्नल्स आपको याद रखना है न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने के लिए. पहला है यूनिट इम्पल्स, इट इज डेल्टा टी, इट इज सेम एज द यूनिट इम्पल्स विच यू हैव स्टडीड इन सिग्नल्स एंड सिस्टम्स. सेकंड स्टेप सिग्नल. देखो सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में आप लोग सिर्फ यू ऑफ टी यूज करते हैं, इसको यूनिट स्टेप बोलते हैं. इट इज ए इंटू यू ऑफ टी, ए इज द एम्पलीट्यूड. सो इट इज अ स्टेप सिग्नल हुज एम्पलीट्यूड इज ए स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी. जो रीडिंग से मैंने लिखा है ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म का वैल्यू है, आपको याद रखना है न्यूमेरिकल्स के लिए. तो डेल्टा टी का लाप्लास वन है, स्टेप सिग्नल का लाप्लास है ए अपॉन एस, वेयर ए इज द एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेप सिग्नल. नेक्स्ट इज द रैंप सिग्नल, उसका नोटेशन है ए टी, द नेचर इज लाइक दिस, लाप्लास इज ए बाय एस स्क्वायर. थर्ड फोर्थ इज द पैराबोलिक इनपुट सिग्नल, इट इज ए टी स्क्वायर बाय टू एंड इट्स लाप्लास इज ए बाय एस क्यूब. जैसे मैंने बताया ये लाप्लास की जो फॉर्मूले है ये हमें न्यूमेरिकल्स के लिए लगने वाले है. द नेक्स्ट पार्ट इज टाइप ऑफ सिस्टम, वी कैन एक्सपेक्ट अ न्यूमेरिकल रिलेटेड टू दिस पार्ट, दैट इज रिलेटेड टू टाइप ऑफ सिस्टम. अब ये जो इक्वेशन दिया है क्वेश्चन में जो इक्वेशन देते हैं दैट इज जी ऑफ एस इनटू एच ऑफ एस, इफ इट इज नॉट इन द प्रॉपर फॉर्मेट, मतलब वन प्लस के फॉर्म में नहीं है तो आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा. सो दिस इज द जनरलाइज्ड फॉर्मेट व्हिच इज नोन एज टाइम कांस्टेंट फॉर्म. वी नो द कीप इन माइंड द जनरल रूल, द रूट्स ऑफ न्यूमरेटर टर्म आर कॉल्ड जीरोज, रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर टर्म आर कॉल्ड पोल्स. तो न्यूमरेटर में जो टर्म्स है वो जीरोज रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोमिनेटर के टर्म्स पोल्स रिप्रेजेंट करते हैं. अब इसमें इंपॉर्टेंट है टाइप ऑफ सिस्टम. देखो यहाँ पे जो सिर्फ एस का टर्म है, एस रेस्ट टू एन है, ये जो एन है दैट रिप्रेजेंट्स टाइप ऑफ सिस्टम. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एस रेस्ट टू जीरो होता है तो टाइप जीरो सिस्टम, एस रेस्ट टू वन टाइप वन, एस रेस्ट टू टू टाइप टू सिस्टम. डिफाइन कैसे करेंगे, मतलब ये एस रेस्ट टू एन है ना, आई कैन वेल राइट इट एज एस माइनस जीरो रेस्ट टू एन. Where this zero indicates pole at origin. So make it simple, the number of poles, the number of closed loop poles at origin represents the type of system. This is the definition of type of system. अब numerical solve करने के लिए आपको सिर्फ इतने formulae चाहिए. If you know this formulae, you can well attempt any type of numerical related to type of system. डियर स्टूडेंट्स, मैंने अलग से वीडियो बनाया है हर एक टाइप के, जितने भी पॉसिबल वेरिएशंस हैं उस वीडियो में मैंने कवर किए हैं. सो दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट, डोंट मिस आउट दैट वीडियो. प्रेजेंटली आई विल एक्सप्लेन ब्रीफली व्हाट दिस केपी इज. पोजिशनल एरर कोएफिशिएंट उसका है फॉर्मूला लिमिट एज एस टेंड्स टू जीरो जी ऑफ एस इनटू एच ऑफ एस, वेयर जी ऑफ एस इनटू एच ऑफ एस विल बी गिवन इन द क्वेश्चन. केवी इज वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट, के इज एक्सेलरेशन एरर कोएफिशिएंट. याद कैसे रखना है, सिर्फ केपी का फॉर्मूला याद रखना है. यहाँ पे एस ऐड करोगे मतलब एस इनटू दिस थिंग, ये केवी हो जाएगा. फिर और एक एस ऐड करोगे मतलब एस स्क्वायर लिखोगे तो ये के हो जाएगा, एक्सेलरेशन एरर कोएफिशिएंट. फिर ये तीन फॉर्मूले अगर स्टेप सिग्नल अप्लाई करेंगे तो ई एस एस इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट एरर, स्टेडी स्टेट एरर. Now ESS is A upon 1 plus KP for step signal, for ramp signal it is A upon KV, for parabola it is A upon KA. जैसे मैंने बताया सिर्फ आपको इतने फॉर्मूले पता है और प्रोसीजर पता है तो यू विल बी इन अ पोजिशन टू अटेम्प्ट एनी न्यूमेरिकल रिलेटेड टू दिस टाइप. द नेक्स्ट पार्ट इज एनालिसिस ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम. उससे पहले आई विल एक्सप्लेन द बेसिक कंसेप्ट. ये किसी चीज का ग्राफ है आउटपुट वर्सेस इनपुट.
In such type of graphs, there are two types of responses. Response means output. First part is transient response, second is steady state response. What's the steady state response? Once you will get a fixed final output, that particular output or response is called steady state response. But before attempting that output, the response can be like this. It is, let us say, increasing exponentially. This part is known as transient response. Actually, ये जो blue wings है मैंने draw किया, ये dotted line, ये actual output है, मतलब it is desired output, और ये जो आया है ये actual output है. So there is a gap, there is some difference between desired output and actual output. ये जो error है, जिसको बोलते हैं ESS, steady state error. अब और एक important term है इससे related, that is the parameter zeta, which is called a damping parameter. इसको प्रोनाउंस करते हैं जीटा. सो इट इज अ डैम्पिंग फैक्टर. व्हाट दिस इंडिकेट्स, जैसे मैंने बताया स्टेडी स्टेट रिस्पांस इज द फाइनल आउटपुट. बिफोर दैट द सिस्टम आइदर ऑसिलेट्स और इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली लाइक दिस. एवरी सिस्टम हैज अ टेंडेंसी टू अपोज दिस ऑसिलेशन और एक्सपोनेंशियल रिस्पांस. ये जो अपोजिशन का टेंडेंसी है टू अपोज दिस एक्सपोनेंशियल रिस्पांस और ऑसिलेशंस, इसको बोलते हैं डैम्पिंग. एंड इट इज गिवन बाय अ फैक्टर व्हिच इज डैम्पिंग फैक्टर डिनोटेड बाय जीटा. एंड वन मोर टर्म यू शुड नो, दैट इज ओमेगा एन, व्हिच इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन. अब ये दो टर्म्स के डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, मैंने ऑलरेडी अलग वीडियो में ये कवर किए हैं. इससे अलावा आपको ये चार चीजों का डायग्राम याद रखना पड़ेगा, ओवर डैम्प्ड सिस्टम, अंडर डैम्प्ड सिस्टम, अनडैम्प्ड सिस्टम एंड क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम. दिस डिपेंड्स ऑन डिफरेंट रेंजेस ऑफ जीटा. सो डू वॉच दिस वीडियो, यू विल कम टू नो व्हाट आर दिस डायग्राम्स इंडिकेटिंग फॉर ईच टाइप ऑफ डैम्पिंग सिस्टम. एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस सेकंड यूनिट इज द टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशंस फॉर सेकंड ऑर्डर सिस्टम. इसका एक ग्राफ है और चार डेफिनेशंस है. सो डोंट मिस आउट दैट वीडियो, क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बहुत सिंपल है और फॉर्मूला बेस्ड है. सो आई एम नॉट कवरिंग इट अननेसेसरीली, आई डोंट वांट टू मेक दिस वीडियो लेंथी. तो प्लीज वॉच दैट वीडियो, दैट इज द लास्ट वीडियो फॉर यूनिट नंबर 2. So, dear students, that's it for today's session. I have tried my level best to quickly brush up the things for unit number 1 and 2 for the subject control systems. So, all the best for your exam and thanks for watching this video.